हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को साफ सफाई और मरम्मत कार्यों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद हर की पौड़ी क्षेत्र का नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला। गंग नहर सूखने के बाद यहां अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया ट्रैक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस ट्रैक से ब्रिटिश काल के ऑफिसर्स गंग नहर का निरीक्षण करने के लिए आते जाते थे। हरिद्वार के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बताया गया है कि ये ट्रैक लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा है। उस समय सड़कें पुल ज्यादा नहीं हुआ करते थे और इसलिए अंग्रेजी अफसर इस ट्रैक का आने जाने में इस्तेमाल किया करते थे। आपको बता दें कि हर साल मेंटेनेंस के लिए यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंग नहर को बंद किया जाता है, जिससे धर्मनगरी हरिद्वार का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। गंगा का पानी सूख जाने से गंगा की तलहटी पर नजर आ रहा ये ट्रैक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हरिद्वार स्थित डाम कोठी से लेकर लाल कोठी तक इस ट्रैक का निर्माण ब्रिटिश काल शासन के दौरान किया गया था। इसका उद्देश्य नहर का निरीक्षण और अन्य सामान ले जाने के लिए किया गया था। हरिद्वार के पुराने जानकार बताते हैं कि 1840 के आसपास गंग नहर के निर्माण के दौरान इन ट्रैक पर चलने वाली हाथ गाड़ी का इस्तेमाल निर्माण सामग्री ढोने के लिए किया जाता था। भीमगौड़ा बैराज से डाम कोठी तक डैम और तटबंध बनाए जाने का काम पूरा होने के बाद अंग्रेज अवसर निरीक्षण करने के लिए इस ट्रैक पर गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। आजाद भारत में भी इसके स्वरूप को हमने भी देखा है। इस पर कई बार बैठकर बच्चे बड़े बूढ़े लोग घूमा भी करते थे, लेकिन बदलाव के हिसाब से जैसे बाईपास सड़क का निर्माण हुआ तो भीमगौड़ा बैराज के आसपास का स्वरूप बदल गया। भीलवाड़ा बैराज को दोबारा बनाया गया तो उसे कारण का ये ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया और ये पानी के नीचे दब गया। हरिद्वार से सलमान मलिक की रिपोर्ट। सन 1850 के आसपास लॉर्ड कोटले ने इंग्लिश टाइम में यहाँ से गंगा जी से एक नहर निकालने के लिए यहाँ डैम बनाया। उस डैम की देखरेख करने के लिए और इस गंग नहर की घाटों की और इसके सब चेकिंग के लिए उन्होंने, तब इतने साधन नहीं थे, तो डाम कोठी जो वर्तमान में डाम कोठी नंबर 1, डाम कोठी से और एक लाल कोठी है झील के, डैम की झील के सामने, वहां तक के लिए एक ट्रैक बनाया था। इस ट्रैक पे ट्रॉली से अंग्रेज ऑफिसर्स अपने इसकी नहर की चेकिंग और ये सब करते थे। देखिए, ये जो ट्रैक बना हुआ है ये रेलवे ट्रैक जो है अंग्रेजी शासन काल के समय से, जब गंगा का जो गंगा नहर बन रही थी कर्नल काटले जिसको बना रहे थे, और उसके बाद यहाँ के जो सामान का आवाजाही करने का काम था, सामान ले जाने का काम था, जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग यहाँ से आवागमन करते थे, उस सब चीज़ की देखरेख करते थे, तो अपनी सहूलियत के लिए इस प्रकार का उन्होंने रेलवे ट्रैक लगाया, ना कि ये नागरिकों को या आम यात्रियों को लाने ले जाने वाला रेलवे ट्रैक है। उसलिए वो अपने डामकोटी ऑफिस से ले जाकर वहाँ तक ये इस प्रकार का ट्रैक बनाया था, क्योंकि पहले बहुत सारी दिक्कतें सामने आती थी। उन दिक्कतों के कारण ही सामान, क्योंकि गंगा का जल स्तर भी बड़ा प्रभावान था, कोई किसी भी प्रकार की कोई लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, हैवी मटेरियल होता था, उन सब की सुविधाओं को देखते हुए ये इस प्रकार का ट्रैक बनाया गया था। और जो जब भी गंगा क्लोजर होता है तो लोगों के, क्योंकि हर वर्ष नए लोग आ जाते हैं, नए उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है कि क्या यहाँ पर रेल लाइन चलती थी, क्या यहीं से यात्रा निकलती थी या यहीं से आगे की ओर, जबकि ये कुछ ही मीटर के एरिया में रेलवे ट्रैक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से संवाददाता सलमान मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, गंग नहर की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां देखा जा सकता है कि साफ सफाई और मरम्मत के कार्य के लिए इसका संचालन रोक दिया गया है, लेकिन क्या लगता है जो नजारे सामने आ रहे हैं उससे लोग काफी चकित नजर आ रहे हैं, तो हम एक बार पूरे विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो गंग नहर है यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से हर साल यहाँ मरम्मत के लिए और साफ सफाई के लिए इसको बंद किया जाता है, तो इस साल भी इस जो है गंग नहर को बंद किया गया। हालांकि जो गंग नहर हरिद्वार से कानपुर तक यानी कि यूपी के कानपुर तक पहुंचती है, तो ये जिस तरीके से इस गंग नहर को फिलहाल साफ सफाई के लिए रोका गया है, तो वहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो है गंग नहर के अंदर से एक ट्रैक नजर आया है, जिसमें ये जाहिर होता है जो वरिष्ठ नागरिक का साफ तौर से कहना है कि जो ये ट्रैक बना हुआ है ये वो ट्रैक है जिस पर जो अंग्रेजी शासन काल के जो अफसर थे वो गंग नहर का निरीक्षण करने के लिए इसी ट्रैक से उनका आना जाना हुआ करता था, क्योंकि पहले ऐसे कोई खास
पुल और इस तरीके के मार्ग नहीं हुआ करते थे और कई किलोमीटर के आसपास का यह ट्रैक बना हुआ है जो चर्चाओं का विषय है और आसपास के लोग, हालांकि दूर दराज के लोग भी इस ट्रैक को देखने के लिए आ रहे हैं और तमाम तरह की इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर रहे हैं। और जो वरिष्ठ नागरिक है उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से ट्रैक नजर आया है, हालांकि पहली बार इस तरीके का ये नजारा सामने आया है, जिसको लेकर तमाम क्षेत्र के जो वासी है सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से इसमें अलग अलग तरह की टिप्पणियां की जा रही है और इसको देखकर जो है क्षेत्र के लोग भी बड़े खुश है क्योंकि जो साफ सफाई को लेकर यहाँ पर गंग नहर को रोका गया है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर इस बार अच्छे स्तर पर इसकी सफाई हुई है, जिसकी वजह से ये ट्रैक भी यहाँ पर नजर आया है। और बात की जाए तो जो मरम्मत की चीजें हैं उनको भी फिलहाल मरम्मत की जा रही है क्योंकि दीपावली का भी त्योहार है, तमाम जो जितने भी श्रद्धा रखने वाले जितने भी लोग हैं और जो गंगा को पूजने वाले लोग हैं वो यहाँ पर जो है गंगा किनारे तमाम तरीके की पूजा पाठ करते हैं, तो उसी को लेकर तमाम त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सिंचाई विभाग की तरफ से गंग नहर को उससे पहले ही त्योहार की सीजन से पहले ही साफ सफाई कराई जाती है, तो वही इस साल भी किया गया है और उस गंग नहर को रोका गया है। तमाम तरह की सफाई जो है फिलहाल तमाम जगह पर चल रही है और इसकी जो है यहाँ पर जो ट्रैक नजर आया है ये भी एक बड़ा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जी वही सलमान, अंग्रेजों के शासनकाल से ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, आपने जिस तरीके से कहा कि विशेष सलाहकारों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही होंगी, किस तरीके की टिप्पणियां इसको लेकर देखने को मिल रही हैं? देखिए उनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरीके से उनका ये कहना है कि जो उनके बड़े बुजुर्ग जो पूर्वज रह चुके हैं उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है, हालांकि कुछ कागजों के अनुसार भी जो किताबें उनके द्वारा लिखी गई है उनमें भी उसका जिक्र है कि यहाँ पर किसी तरीके के कोई भी ऐसे पुल बहुत कम हुआ करते थे जो अंग्रेज गंग नहर के अंदर से गुजरने वाली एक ट्रैक थी जिस पर अंग्रेजों के जो अफसर थे वो उनके मिशन के लिए जो है इस पर आना जाना किया करते थे, इस ट्रैक का इस्तेमाल किया करते थे, तो वो चीजें अब जो यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक है उन्होंने इसका उजागर किया है, तमाम किताबों के माध्यम से उसकी पुष्टि की है कि ये वही ट्रैक है जिस पर जो है अंग्रेज अपने तमाम अफसरों को लेकर यहाँ से इसका गंग नहर का जो है निरीक्षण कराया करते थे क्योंकि ऐसे पुल और ऐसे कोई मार्ग यहाँ पर खास तौर पर नहीं थे जिसकी वजह से गंग नहर का निरीक्षण किया जाता था, तो उसी को लेकर ऐसा ट्रैक यहाँ पर बनाया गया था। तो इस बार जिस तरीके से गंग नहर को पूरी तरीके से साफ सफाई के लिए रोका गया है तो गंग नहर भी पूरी तरीके से जो है सूख गई है और वहां पर जो है फिलहाल सफाई की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जोरों पर है, तो उसी को लेकर जो है ये ट्रैक नजर आया है, तो कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मी है और जो तमाम वहां पर कर्मचारी हैं उनको भी जो क्षेत्रीय लोग हैं वो शाबाशी दे रहे हैं, तमाम अधिकारी वो भी शाबाशी दे रहे हैं क्योंकि अब की बार ऐसी सफाई हुई है जो बिल्कुल निचले स्तर से पूरी साफ सफाई की गई है, तो कहीं ना कहीं जो सफाई के मद्देनजर है तमाम अधिकारी और तमाम कर्मचारी भी पूरी तरीके से गंभीर बने हुए हैं। जी ठीक है सलमान मलिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आप ये नजारा देख रहे हैं ये गंग नहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि मरम्मत के कार्य के लिए इसकी साफ सफाई शुरू की गई और कहीं ना कहीं साफ सफाई में जो नजारा सामने आया वो देख कर लोग काफी चकित भी नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि गंग नहर में ये ट्रैक दिख रहा है जिसको अंग्रेजों के शासनकाल से जोड़कर देखा जा रहा है।